नमस्कार वेलकम टू वेदप वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है टाइम एंड वर्क और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम होते हैं और जिनमें अर्थमेटिक का पोर्शन होता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक में से एक है अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी कोई भी अगर आप एग्जाम लो तो वहाँ पे इसका वेटेज बहुत रहता है अगर बात हम करें एस की तो अर्थमेटिक में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और ओवरऑल पेपर में तो एडवांस का वेटेज रहेगा लेकिन अगर हम अर्थमेटिक सेक्शन की बात करेंगे टाइम एंड वर्क राइट प्रॉफिट एंड लॉस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन फिक्स है इनसे जरूर पूछा जाएगा तो टाइम एंड वर्क में ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी वगैरह सब आपको पढ़ना है बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत साधारण सा चैप्टर है एक बार अगर आप समझ जाओगे और इस पर खूब सारी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो यह टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो आज हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे और हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क को आप कितने प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या बेस्ट होगा आपके लिए उसको समझेंगे तो टाइम एंड वर्क में सबसे जो बेसिक चीज़ आपको जाननी होती है जरूरी है जिसे हम करें कि अगर आपसे कहा जाए कि आपकी इफ़िशंसी यानी हम ऐसे कहें कि आप किसी काम को ठीक है आप एक दिन में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति है एक दिन में दस मीटर सड़क बना लेता है तो अगर वह दस दिन में कितने मीटर सड़क बना लेगा आप कहोगे अगर वह एक दिन में दस मीटर सड़क बना रहा है और दस दिन वो कितना बनाएगा दस गुड़े में दस यानी कितना सौ मीटर सड़क तो यहाँ पे जो वह एक दिन में जितना काम कर दे रहा है यानी एक में जो आदमी है एक दिन में जितना काम कर रहा है या छोटी से छोटी इकाई चाहे दिन हो क्वेश्चन में दिन हो सकता है आवर हो सकता है सेकेंड हो सकता है राइट तो यह इसका क्या होता है यह इसकी इफिशियंसी होती है कि वह आदमी कितना इफिशियंट है वह आदमी एक दिन में दस मीटर दीवार बना सकता है क्वेश्चन में फर्दर और उसको कर सकता है कि भाई एक दिन में वह आठ घंटे काम करता है यानी आठ घंटे काम करके वह दस मीटर दीवार बना देता है तो अभी बेसिकली बस हमको समझना है कि इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट समझना है तो यह जो आया हुआ दस मीटर काम कर दे रहा है यह क्या इसकी इफिशियंसी है और यह क्या है टाइम है दस दिन में हमसे पूछा जा रहा है कि वह कितना मीटर दीवार बनाएगा आपने क्या किया एफिसियंसी इन टाइम कर दिया तो यह क्या मिलेगा टोटल आपको वर्क कितना वर्क हुआ ठीक है वर्क डन दस मीटर यूनिट काम हो रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं और जो सबसे जरूरी चीज है पूरा टाइम एंड वर्क इसी के इर्द गिर्द रहेगा ठीक है अगर आप इतना समझ गए तो टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस दो ऐसे चैप्टर है जो केवल एक फार्मूले पे मतलब एक कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर उसी के इर्द गिर्द घूमता है जैसे अगर हम टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो बस वहां पे इतना आना चाहिए स्पीड बराबर होता है टाइम बाई डिस्टेंस डिस्टेंस बाई टाइम उसी तरह अगर हम वर्क एंड टाइम की बात करें तो हम आपसे कहेंगे वर्क डन बराबर होता है इफिशियंसी इन टाइम क्षमता गुड़े समय इसी इफिशियंसी को हम कैपेसिटी से भी बोलते हैं बस अगर इतना आपको आता है तो पूरा वर्क एंड टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ना है अब जो हमको करना है वह हमको अप्रोच इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वह सीखना है ठीक या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इफिशियंसी या कैपेसिटी बराबर क्या होता है ठीक है वह होता वर्क में टाइम राइट अगर मान लेते हैं हमारा वर्क कांस्टेंट है हम कहें अगर वर्क कांस्टेंट है यानी जितना कार्य किया जाना हुआ अगर हमारा स्थिर है नियत ही है तो आप कहोगे जो इफिशेंसी होगा वह टाइम के क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी हम कहें ई वन में ई टू तो रेशियो में हम पढ़ चुके हैं तो यह कितना हो जाएगा आप कहोगे टी वन टी टू अपान में टी वन ठीक यहां तक बात समझ में आई अब देखो थोड़ा सा हम सम्झ समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं सारी चीजों को, जिससे हमारा और क्लियरिटी हो इस क्वेश्चन पे देखो अगर हमको दिया हो कि कोई व्यक्ति बोले कि मान लो ऐसे बोलो कि ए कोई व्यक्ति है जो ए किसी काम को दस दिन में पूरा कर देता है टेन डेज में अगर कोई व्यक्ति एक काम को दस दिन में पूरा करता है ठीक है तो अगर हम आपसे पूछे एक दिन में वह कितना कार्य करेगा एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा वन बाई टेन यूनिट क्या बोल सकते हो यह बोल सकते हो कि एक ही इफिशियंसी है यह बोला जा सकता है कि एक इफिशियंसी है कि वह एक दिन में एक बटा दस यूनिट काम करेगा इसी तरह मैं अगर बोलूं कोई दूसरा व्यक्ति है बी ले लो वह पंद्रह दिन में किसी सेम कार यानी देखो यहां दोनों पे वर्क सेम है ठीक है वर्क जो हमारा है वह कांस्टेंट है किसी काम को ए दस दिन में करता है और उसी सेम काम को बी कितने दिनों में करता है पंद्रह दिनों में तो हम अगर आपसे पूछें कि बी की इफिसियंसी कितना होगी बी की इफिसियंसी आप कहोगे एक, एक दिन में कितना काम करेगा कहोगे एक दिन में एक गंद्रह तो एक दिन में यानी छोटी से छोटी यूनिट में हम जो निकालते हैं जैसे 10 दिन हमारा था तो अगर हम एक डे के हिसाब से उसकी एफिशियंसी निकालेंगे तो आप कहोगे कि वह एक दिन में एक बटा पंद्रह काम करेगा तो यह हम कह सकते हैं उसकी क्या होगी इफिशियंसी होगी तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे तो देखो इसको करने के कई तरीके हैं ठीक है थीके? हम तीन तरीके से इसको दे बताएंगे हम आपको और फिर हम इसमें बताएंगे कहां पे क्या आपको अप्लाई करना चाहिए ठीक है सबसे आसान तरीका देखो सबसे पहला तरीका देखो आसान नहीं पहला तरीका देखो पहला तरीका होता है कि आप बिल्कुल यूनिटी मेथड करते हो जैसे यह था कि आपने बोला कि ए और बी ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं एक दिन में यह एक बटा दस काम करता है और बी कितना करता है एक बटा पंद्रह यानी हम कहें इन दोनों द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा एक बटा दस और एक बटा पंद्रह तो कितना हो जाएगा एल्शियम ले लो तीस तो तीन प्लस दो पांच बटा तीस यानी एक बटा छ तो हम कहेंगे कि ए और बी मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं छः तो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे आप कहोगे पूरा काम हो जाएगा कितना छह दिन में भाई ये हमको क्या मिल गई इफिशियंसी और हमसे हमसे पूछा जा रहा है वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा हम जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है वर्क क्या होता है ठीक है वर्क बराबर होगा अब वर्क डन बराबर क्या होता है इफिशियंसी इन टाइम करते हो इफिशियंसी कितना वन बाई सिक्स है तो कितना टाइम गुड़ा करें ताकि वर्क हमारा कंप्लीट हो जाए और वर्क हमेशा देखो जब भी आप यूनिट में थे इस तरह से करोगे फ्रैक्शन में करोगे तो वर्क इसमें हमेशा एक होता है और अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में करना चाहते हो तो वर्क वहां पे होता है यानी यानी पूरा कंप्लीट वर्क करने करने में एक करने में एक यूनिट के लिए कितना समय लगना चाहिए आप चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, पूरा काम एक हो जाएगा तो पहला मेथड हुआ ठीक है कि हमने क्या किया कि इनकी अलग अलग इफिशियंसी निकाल, निकाल लिया कि एक कितना ए और बी की इफिशियंसी हमको मिल गई एक बेटा छः तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि अगर ए और बी की इफिशियंसी हमको मिल गई ठीक है ए और बी की इफिशियंसी अगर हमको एक बेटा छः मिल गई तो टोटल का टोटल टाइम कितना लगेगा काम करने में अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए प्लस बी एक दिन में एक बटा छः काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे छः दिन में करेंगे या आप ऐसे बोल लो वर्क बराबर इफिशियंसी इन टाइम होता है ठीक है तो यह तरीका हुआ बिल्कुल यूनिटी मेथड दूसरा तरीका देखो यहीं से निकल दूसरा तरीका यहीं से हम डिराइव करते हैं जैसे हम हमने बोला कि ए कितने दिन में कर रहा है दस दिन में बी कितने दिन में कर रहा है पंद्रह दिन में तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को हम क्या कर लेते हैं एल सी लेते हैं क्योंकि वर्क देखो यहां पे जो यूनिट आप कितना यूनिट काम ले रहे हो ना यह इंडिपेंडेंट है यह किसी बात पे निर्भर नहीं करेगा आप चाहो तो यहां पे एक्स ले लो एक्स यूनिट काम ले लो आप चाहो तो यक्स भी ले सकते हो आप चाहें तो यकस भी ले सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी मैं उसको बताऊंगा अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर एल्सीयम लेके करना चाहें तो कैसे होगा ठीक है एल्सीयम लेके अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे तो हमने कहा ए और बी का आप एल्सीयम ले लो कितना हो जाएगा तीस इसमें थोड़ा सा एल्सीयम आपको लेना आना चाहिए तो देखो दस यूनिट यह टोटल कितना है हमने टोटल यूनिट ले लिया वर्क ले लिया तीस यूनिट यह हमारा टाइम है तो बताओ अगर हम दस दिन में तीस यूनिट काम कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी आप कहोगे इफिशियंसी तीन यूनिट उसी तरह बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी दो यूनिट यह क्या है इफिशियंसी यह क्या है आपका टाइम है और यह क्या है टोटल वर्क है कितना तीस यूनिट ठीक है यह हमारा वर्क है। तो ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितना जाएगी ए और बी की इफिशियंसी आ जाएगी थ्री प्लस टू कितना हो गया पाँच तो ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी फाइव आ गई तो हमसे टाइम पूछा जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा वर्क बाई इफिशियंसी वर्क कितना करना है टोटल तीस कंप्लीट करना और एक दिन में या इनकी जो इफिशियंसी है पाँच है तो टोटल कितना दिन लगेगा छः दिन दूसरा तरीका और तीसरा तरीका देखो परसेंटेज से कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को हम ठीक है परसेंटेज सभी समझ लो उसके बाद हम समझाएंगे बताते हैं आपको कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है हमको दिया कि एक किसी काम को दस दिन में करता है तो दस दिन में करता है तो बताओ इसकी इफ़िशंसी कितना होगी हम आपसे अगर पूछें इसकी इफ़ीसेंसी कितना होगी तो हमने बोला कि देखो जब फ्रैक्शन में आप करोगे जब इसको लिख, लिख लेना कहीं कि जब आप फ्रैक्शन में करना चाह रहे हो तो वहाँ पे वर्क जो डन है वर्क यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन वहाँ पे आप एक लेना अपनी सुविधा के लिए और जब हम परसेंटेज में करेंगे तो वर्क कितना होगा टोटल हंड्रेड परसेंट ही क्या होगा हमारा वर्क होगा तो हम करें पूरा वर्क पूरा वर्क अगर दस दिन में कम्प्लीट हो रहा है तो पूरा वर्क कितना होगा हंड्रेड होगा ठीक है तो परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है बटा में कितना दस तो एफिशेंसी कितना आ जाएगी टेन परसेंट हाँ यहाँ पे एक चीज़ जो रिक्वायर है कि आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए ठीक तो परसेंटेज का इतना क्वेश्चन कर लिया तो मुझे भरोसा है कि आपको याद होगा बी कितने दिन में कर रहा है बी कर रहा है पंद्रह दिन में तो बताओ भाई बी की इफिशियंसी कितना होगी बी की इफिशियंसी कितना होगी टेन बाई फिफ्टीन टेन बाई फिफ्टीन की वैल्यू कितना होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ठीक है या छः से दो बटा तीन परसेंट यह देखो याद होना चाहिए आपको तो अगर हमसे पूछा जाए ए और बी मिलाकर कितने दिन में काम करेंगे अगर हमसे पूछा जाए ए और बी मिलाकर कितने दिन में काम करेंगे तो बताओ ए और बी की कंबाइंड एफिशियंसी कितना होगी आप कहोगे टेन प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट कितना हो जाएगा सोलह परसेंट सोलह परसेंट सोलह परसेंट ठीक है तो बताओ ए और बी कितने दिन में काम करेंगे तो हमने कहा टोटल वर्क कितना होता है हंड्रेड परसेंट होता है और इनकी कंबाइंड एफिशंसी कितना है सोलह दसमलव छः छह तो बस देखो आपको यह ध्यान देना होता है कि सोलह दसमलौ छ छः परसेंट की वैल्यू कितना होगी परसेंटेज वैल्यू कितना होती है एक बटा छ होता है तो यहां पर हम बस इसको क्या करेंगे छ लिखेंगे डायरेक्ट ठीक है या आप इससे भाग दोगे तो कितना आएगा यह छह आएगा तो कितना दिन लगेगा छह दिन ठीक है देखो हम इस तरह से पढ़ते हैं परसेंटेज में कि सोलह दसमलव की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे सौ बटा में ठीक है सौ बटा में कितना सॉरी अगर हम वहां पे हमको इस तरह से परसेंटेज में हम इस तरह से करते हैं कि एक बटा छ की परसेंटेज वैल्यू बताना होती है हमको जैसे एक बटा छ की बताओ फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू बतानी होती है तो आप सौ से उड़ा करते हो तो यह वैल्यू कितना सोलह दसमलव तो वही यहाँ पे आप छः यहाँ पे कर दो सोलह इधर कर दो तो सौ बटा में कितना हो जाएगा सोलह दशमलव छः छः तो ये वैल्यू कितना देगी हो जाएगी छः ठीक है तो परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तो देखो यह तीन तरीका हो गया ठीक है तीनों तरीका हमने समझ लिया अब हम बताते हैं कि आपको क्या कौन सा तरीका आपको कहाँ पर यूज करना चाहिए देखो जो पहला तरीका है ठीक है यानी यूनिटी मेथड लेके इसको आप कहीं मत करिएगा या आप मेथड हो चुका है कहीं अगर रेयर होगा कहीं हम रिक्वायर होगी तो हम इसको करेंगे ठीक है तो हम कहेंगे इसको अप्सोलट मेथड हो चुका है इस तरह से आप कभी मत करिए दूसरा तरीका देखो दो जब जब भी दो कैलकुलेशन दो कैलकुलेशन करने के लिए आए जैसे जैसे दस और पंद्रह है तो वहां पे भी आप कभी भी इसको मत यूज करिए एल सी मेथड ठीक है जहाँ दो करने के लिए आए उसको एलसीए मेथड मत यूज करिए अभी हम बताते हैं इसके लिए एक फार्मूला होता है उसको याद कर लीजिए और रही बात परसेंटेज हम कहाँ यूज करेंगे देखो जहाँ इस तरह से वैल्यू हो कि जिसका हमको स्टैंडर्ड मान हो मतलब जिससे जो स्टैंडर्ड वैल्यू हो जिसका हमको परसेंटेज वैल्यू याद हो तो वहाँ अगर आप परसेंटेज से जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा लेकिन यहाँ पे एक जो प्री कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए यानी आप परसेंटेज में और फ्रैक्शन में आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए फिर आपको उसमें कोई परेशानी ना हो तो वहाँ पर आप परसेंटेज अप्रोच करो तो ज़्यादा अच्छा होगा देखो अगर आपको मैथ अच्छी करनी है और आपकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको हमेशा हर हर तरीके आने चाहिए यानी आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए ठीक है कोई एक तरीका सीख के हम उस पर करेंगे तो वह सही नहीं है और ऐसा भी नहीं जैसे बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि एलसीएम से लेके करने लगते हैं सारे क्वेश्चन वह भी गलत है आप किसी एक मेथड को के पीछे मत पड़िए अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फार्मूला जो मैं बताना चाह रहा हूँ जैसे मैंने बोला मान लो ए है जो किसी काम को एक्स दिनों में कर दे रहा है ठीक है या ऐसे उल्टा बोलते हैं कि एक्स है किसी काम को ए दिन में कर दे रहा है और वाई है उसी काम को बी दिनों में कर दे रहा है तो हमसे पूछा जाए एक्स और वाई मिलाकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे ठीक है तो आप बोलोगे कि एक्स की जो एक्स का जो एक्स का जो इफिशियंसी होगा वह कितना होगा या आप कहोगे एक दिन में देखो जो चाहे आप एक दिन में जितना काम कर रहा है या वही हमारी इफिशियंसी होगा ठीक है अगर आवर होगा यानी हम छोटी से छोटी इकाई लेंगे और फिर वही हमारी क्या होगी इफिशियंसी होगी तो एक दिन वो कितना काम करेगा ए बटा ए और वाई कितना करेगा ए बटा बी एक बटा बी ठीक है और आप यहाँ पे जो सोच रहे हो कि जो मैं एक क्यों ले रहा हूँ उन्हें जैसे मैंने बताया था कि आप फ्रैक्शन में हमेशा एक ले लेना आप चाहोगे कि मैं आप चाहते हो कि नहीं मैं एक नहीं लूँगा तो ठीक है आप कोई नंबर ले लो चलो हम दस ले ले रहे हैं ठीक है हम बोलते हैं यहाँ पर दस और यहाँ पर दस यानी हम कर रहे दस दिन में वर्क कितना कार्य करेगा या दस दिन में उसकी हम वर्क पूरा यूनिट जो कार्य है हम उसको दस यूनिट ले ले रहे हैं ठीक है तब भी आप देखोगे तो हम कहेंगे ये दोनों मिलाकर कितने दिनों में काम करेंगे एक्स प्लस वाई आप कहोगे दस बटा में ए प्लस दस बटा में बी तो यह कितना हो जाएगा दस हमारा हो जाएगा कामन ऊपर कितना मिलेगा ए प्लस बी नीचे कितना मिलेगा ए बी और टोटल कार आपने कितना ले लिया टोटल वर्क वर्क आपने ले लिया टेन यूनिट हम हाँ, आपने बोला कि नहीं हम मैं एक नहीं लूँगा मैं दस ले लूंगा हमने कहा ठीक है भाई तो इफ़िशियंसी दोनों की कंबाइंड एफिशियंसी कितना आ गई कितना आ गई तो अगर हमसे पूछा जाए टाइम कितना लगेगा तो आप कहोगे टेन यूनिट पूरा वर्क है इनका इफिशियंसी आ गया ए प्लस बी अपान में ए बी सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा कट जाएगा तो ये हमको कितना मिल जाएगा ए बी अपान में ए प्लस बी तो देखा आपने कि यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ले लें यहाँ पे कुछ भी वर्क टाइम ले लें यह इंडिपेंडेंट होता है इस पर कोई हमारा निर्भर नहीं करता है ठीक है चाहे आप एक ले लो चाहे दस ले लो चाहे कुछ भी ले लो क्योंकि फाइनल जो आउटकम आएगा वहां पे इसका कुछ यूज नहीं होता है अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि देखो जब भी दो का आए ठीक है किसी दो वैल्यू का आए पूछा जाए दो वैल्यू हमको दे रखा हो तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करो हमने बोला इसको नोट कर लो ठीक है कि अगर दो वैल्यू दे रखी हूं देखो तीन वैल्यू के लिए भी फार्मूला होता है लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत टफ होगा दो वैल्यू के लिए है तो आप सीधा इसको यूज करो ए बी ए बी अपान में ए प्लस बी यही हमारा टाइम होगा अब आप सोच रहे हो कि मैं फार्मूला क्यों बता रही हूं छोटी सी हम एल्सियम लेके कर सकते हैं लेकिन देखो कभी कभी जो बड़ा क्वेश्चन होता है या डी होता है जहां पे हमको कैलकुलेशन करना होता है तो वहां पर बार बार एल्थीएम लेके करने से हम तेजी नहीं आएगी स्पीड नहीं आएगा क्योंकि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा फिर आपको लिखना पड़ेगा और इसको आप इजिली मन में कैलकुलेट कर सकते हो जैसे अभी हमारा पिछला एग्जाम्पल था कि हमारा दस था और कितना था पंद्रह था तो दस पंद्रह आप बोल दोगे डेढ़ सौ और नीचे कितना हो जाएगा पच्चीस तो कितना हो जाएगा छः तो आप मन में कर सकते हो कि दस पंद्रह डेढ़ सौ बटाम पच्चीस पच्चीस छक्का डेढ़ सौ तो कितना आ जाएगा छ दिन ठीक इसी तरह से एक और चीज समझ लीजिए जहां आपको बड़ा मदद करेगा फार्मूला जैसे अगर हमको दिया हो कि अगर हमको क्वेश्चन में दिया हो कि ए किसी काम को दस दिनों में पूरा कर लेता है ठीक है ए किसी काम को दस दिन में पूरा कर लेता है ए और बी उसी कार्य को छह दिनों में पूरा कर लेते हैं तो बताइए बी कितने अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा ठीक तो जो सबसे आ,

निकालना पड़ेगा ठीक है आपको एक बार एल्टी लेना पड़ेगा फिर एक बार उसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि जैसे हमारा पीछ, पीछे वाला एग्जाम्पल था या इसी इसी समझते हैं तो देखो हम कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने फार्मूला बताया कि अगर आपको ए और बी का दिया हो तो अगर इनके द्वारा किया दोनों साथ में किया गया काम कितने दिन में होगा तो आप बोलोगे ए बी अपान में ए प्लस बी लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअल का पूछा पूछा जाए तो उसके लिए क्या करोगे तो जैसे हम कहते हैं कि मान लो ए है कोई व्यक्ति ठीक है ए व्यक्ति किसी कार्य को टी वन टाइम में कर ले रहा है और कोई बी है जो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं आप कहोगे टी टू टाइम में कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हमसे जब पूछा जाए बी बताओ कितने समय में कार्य करेगा तो आप कहोगे हम पहले इसका ले लेंगे एल्सियम टी वन और टी टू तो यह कितना हो जाएगा आप कहोगे यह हो जाएगा भाई इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इसकी इफिसियंसी हो जाएगी टी टू और इसकी इफिसियंसी कितना हो जाएगी टी वन तो कार्य कितना करना है पूरा टी वन और टी टू यह ए का है और यह क्या है ए प्लस बी है तो बी का कितना हो जाएगा इफिशियंसी बी की इफिशियंसी हो जाएगी आप कहोगे एक वैल्यू हम यहां पे रख दें, ठीक है एक वैल्यू हम यहां पे रख देंगे कितना हो जाएगा टी वन माइनस टी टू तो बी द्वारा लिया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका हो गया टी वन टी टू में टी वन माइनस टी टू तो देखो इसको बस याद कर लो अगर आप याद कर सकते हो अन्यथा एलसीम और परसेंटेज मेथड आपके पास है यूनिट मेथड है अब देखो इसका हमको क्या एडवांटेज होगा कि जैसे हमारा क्वेश्चन था कि ए था दस दिन ले रहा था और बी कितना ले रहा था पंद्रह दिन सॉरी दोनों मिला के कितना ले रहे थे छह दिन हमसे पूछा जाए बी का बताओ कितना समय लगेगा तो इसमें आपको टी वन टी टू इस तरह से याद नहीं करना बस आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों का जितना दिन दिया उसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस तो दोनों का ऊपर जितना टाइम दे रखा है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का डिफरेंस देख लेंगे बस यही हमारा आंसर होगा साठ बटा पंद्रह कितना हो जाएगा साठ बटा चार यानी पंद्रह दिन ठीक है तो हमने आपको दो फार्मूला बताया अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी एक इसको ठीक है अगर इसको याद कर सकते हो तो इसको याद कर लो और एक फार्मूला है ऊपर हमने बताया आपको ये वाला ठीक है तो अभी तक हमने समझ लिया क्या होता है वर्क एंड टाइम इस क्या होती है सारी चीज़ें हमने समझ लिया एक एक, एक करके अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं बस उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू डिफरेंट अप्रोच को हम सीखेंगे एक और कॉन्सेप्ट जो आपको जानना चाहिए इसको हम बोलते हैं एम डी एच रूल एम डी एच रूल एम डी एच मसाले आपको एमडीएच मिसाले का नाम याद आ गया होगा मुझे तो यही याद आ गया तुरंत देखो एमडीएच रूल क्या होता है जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कहूं कि मान लो दस व्यक्ति ठीक है दस व्यक्ति या एक व्यक्ति किसी काम को दस दिन में करता है तो बताओ दो व्यक्ति दो व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे अगर जो बोल रहे हैं कि पांच दिन में जो बोल रहे हैं कि अगर दो व्यक्ति पाँच दिन में काम कर, भाई एक एक व्यक्ति अगर दस दिन में कर रहा है ठीक है तो दो व्यक्ति क्या है उससे आधा समय में करेंगे पाँच दिन में करेंगे आप बोलोगे पाँच दिन में लेकिन क्या यह जवाब सही है देखो हो सकता है कि हमने क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया कि दोनों व्यक्ति क्या है इक्वली इफिशियंट है तभी हमारा जवाब क्या है कि अगर एक व्यक्ति दस दिन में काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डेज हमारे कम हो जाएंगे सीधा कितना हो दिन हो जाएगा पाँच दिन हो जाएगा लेकिन ऐसा कब हो रहा है जब हम ये मान रहे हैं कि जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है यानी दूसरा व्यक्ति आ रहा है वह इक्वली इफिशियंट है तो ठीक है जब देखो जो, जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ पे अगर नहीं लिखा है कि इफिशियंसी बताया नहीं एक दूसरा व्यक्ति जो जुड़ रहा है यानी बोला जाए कि एक व्यक्ति दस दिन में कर रहा है दो व्यक्ति कितने दिन में करेंगे तो आप पाँच अगर आंसर होगा गए पाँच मार्क या पाँच ही हमारा आंसर आ जाएगा लेकिन इसमें उसको बत, बोलना होगा कि जो दूसरा व्यक्ति है वह इक्वली इफिसियंट है कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं लिखा होता है। तो हम क्या करते हैं एजूम कर लेते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति हमसे जुड़ रहा है आ रहा है है वह क्या है। हो सकता है कि वह इफिशियंसी इक्वल ना हो ठीक है इफिशियंसी हमारी इक्वल भी नहीं हो सकती कभी कभी बोला जाता है कि जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है वह ज्यादा इफिशियंट है या दो गुना इफिशियंट है इसको हम बाद में अगर इस तरह की जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ समझेंगे बस यहाँ पे आपको यह समझ लेना है कि अगर हमारी इफिंसी अगर इक्वल है तो दिन क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा तो देखो एम रूल क्या होता है अगर हम कहें एम वन आदमी डी ठीक है डी वन आदमी डी वन दिन में एच वन से कुछ और आगे कुछ भी दे सकता है मान लो कि W1 यूनिट वर्क करते हैं उसी तरह अगर M2 आदमी D2 डेज में H2 टू आवर से डब्ल्यू टू वर्क करते हैं तो यह हमेशा कांस्टेंट होगा यानी इक्वल होगा यानी जितना हम टोटल टाइम ठीक है जितना वर्क कर रहे हैं और आप डिवाइड बाई वर्क यूनिट से कर देंगे तो यह क्या होता है हमेशा इक्वल होगा तो बस यही है आपको एम डी एस रूल यह याद होना चाहिए ठीक है तो सिंपली बस आपको यह याद होना चाहिए ठीक तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम एमडीएस रूल से कर लेंगे और एक चीज और लास्ट समझना है आपको कि नेगेटिव वर्क क्या होता है नेगेटिव वर्क जैसे हम कहें कि मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है ठीक है वह दस मीटर दीवार को यानी एक व्यक्ति एक व्यक्ति मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति ए है वह किसी दीवार को दस दिन में बना देता है दस दिनों में तो दस दिनों में अगर वह बना देता है और हमने कहा कोई एक व्यक्ति भी है जो विनाशकारी प्रवृत्ति का है वह पंद्रह दिनों में ए द्वारा बनाई हुई दीवार को क्या करता है गिरा देता है तो हमसे पूछा जाए कि अगर ए और बी दोनों साथ साथ में काम कर रहे हो तो बताओ कितने दिवानों कितने दिन में दीवाल बन के तैयार हो जाएगी आप क्वेश्चन समझ पाए हमने कहा कि ए कोई ऐसा व्यक्ति है जो दस दिन में एक दीवार बनाकर बना देता है लेकिन बी उसको पंद्रह दिन में डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं तो बताओ कितने दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा तो आप कहोगे कि अगर हम एलसीएम से करें कि मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है तीस यूनिट है तो बताओ ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगी आपके आप कहोगे ए की इफिशियंसी हो जाए थर्टी बाई टेन कितना हो जाएगा थ्री यूनिट थ्री हो जाएगी इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी पंद्रह बटा तीस बटा में पंद्रह यानी दो लेकिन ध्यान देना यह क्या कर रहा है डिस्ट्रॉय कर रहा है यानी इसकी जो जो यह जो इसकी इफ़िशियंसी क्या हुआ नेगेटिव और यह पॉजिटिव है तो अगर हम आप सब कहें कि ए और बी ए और बी मिलाकर एक दिन में ठीक है यानी इनको दोनों को मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे या हम कहें इनको मिलाकर इनकी इफिशियंसी कितना होगी आप कहोगे थ्री प्लस माइनस टू इक्वल्स टू कितना वन यानी जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है वह क्या केवल एक यूनिट का हो रहा है पर टोटल कार्य कितना करना है तीस तो कितना समय लगेगा थर्टी डे और अगर मान लो यही विनाशकारी नहीं होता यह भी दो यूनिट मदद करता ऐड करता तो यही दीवार कितने दिन बन जाती तीन दो पांच तीस बटा पांच कितना हो जाएगा छः दिन अगर ये पॉजिटिव वर्क होता है लेकिन यहाँ पे बी क्या कर रहा है नेगेटिव वर्क तो नेगेटिव वर्क का बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्या करता है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा यानी इफिशेंसी कम कर देता है तो इसका इसका जो नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है यही पाइप एंड सिस्टम में यूज होगा ठीक है इसी पे पूरा इसी पे पूरा हमारा पाइप एंड सिस्टम डिपेंड है ठीक है वहां पे आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है उसमें आपको दिया रहता है कि एक नल जिसको बोला जाता है कि आउटलेट ठीक है इनलेट होता है यानी जो पानी भरता है और एक होगा आपका आउटलेट जो पानी को क्या करेगा बाहर निकाल देगा या बोलेगा कि टंकी में रिशाव होने की वजह से टंकी खाली हो जाती है यानी दो नल भरने वाले हैं दो खाली करने वाले हैं वो विभिन्न प्रकार से टर्मिनोलॉजी उसमें दिया रहेगा तो हम जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे तो अब बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और पहले क्वेश्चन से फिर हम धीरे धीरे क्या है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है देखो कोई एक कोई छह दिनों में कर लेता बी उसी काम को देखो हम लोग क्या इतना क्वेश्चन करते करते हमको यह अभ्यस्त हो जाते कभी इस, इन सब चीजों पे सोचते नहीं है कि देखो हमारा काम क्या दोनों जगहों पे सेम होता है जैसे मैंने बताया था टाइम हमेशा सेम होना चाहिए अगर टाइम सेम नहीं हो और आप सीधा बोल दो कि फार्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा या आप सीधा वो एलसीएम ले लेते हो ठीक है लेकिन कभी इस तरह से पूछता नहीं है तो इसलिए हमको क्या होता है एक आदत हो जाती है तो ए अगर किसी काम को छः दिन में बी नौ दिन में करता है तो दोनों मिलाकर बताओ कितने दिन में करोगे करेंगे तो देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्ट फार्मूला करो अप्लाई करो छः गुड़े नौ अपानवे कितना सिक्स प्लस नाइन कितना हो जाएगा चौवन बटा में पंद्रह ठीक है चौवन बटा में पंद्रह पंद्रह पचे पचहत्तर ज्यादा हो जाएगा पंद्रह चौकवा पंद्रह पचे अरे पंद्रह चौकवा साठ पंद्रह पैतालीस तीन नौ कौन सा ऑप्शन है एक ही है तीन दसमलव ठीक है आगे बढ़े यक्ष एक कार्य को सत्ताईस दिन में पूरा कर सकता है वायु वायुसी कार्य को यक्स से आधे समय में कर सकता है यानी एक्स किसी काम को कितने दिनों कर रहा है सत्ताईस दिन में और वाई उसी काम को एक्स के आधे दिनों में पूरा कर ले रहा है तो वे दोनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे आप कहोगे सत्ताईस सत्ताईस बाई टू देखो दो का गुणा करोगे सत्ताईस में कितना हो जाएगा चौवन चौवन और सत्ताईस जोड़ दोगे ठीक है चौवन और सत्ताईस हम जोड़ेंगे तो कितना इक्यासी हो जाएगा इक्यासी वटा में दो नौ से काट देते हैं या तीन इससे तीन थ्री टाइम हो जाएगा तो कितना गया हमारा नौ लेकिन क्या पूछा है हमसे कि बोला कि एक दिन में उसी कार्य का कितना भाग पूरा होगा तो नौ काम अगर यक्ष और वाई पूरा मिलाकर कार्य को नौ दिन में पूरा कर दे रहे हैं तो एक दिन में कितना एक दिन में कितना कार्य होगा देखो अगर हम ऐसे कहें नौ दिनों में पूरा कार्य यानी हम यहाँ पे एक यूनिट काम लेते हैं पूरा करते हैं तो बताओ एक दिन में कितना कार्य होगा तो आप कहोगे एक दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य होगा वन यूनिट ठीक है तो अभी सब छोटी अभी शुरुआत हो रहा है तो छोटी छोटी चीजें लिखी जा रही हैं बाद में खुद आप समझ जाओगे कि नौ दिन आ गया तो एक दिन में कितना काम होगा एक बटा नौ यह आपको बिल्कुल अनकॉन्शियसली मतलब सबकॉन्सियस हो जाएगा आपके दिमाग में तो इसमें सोचना नहीं पड़ेगा बस आप तुरंत देखोगे बोलोगे एक बटा नौ होगा आगे बढ़े अगला क्वेश्चन दिया कि ए और बी बहत्तर दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं और बी और सी उसी कार्य को 120 दिन में और ए और सी 90 दिनों में तो बताओ कितने दिनों में तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो देखो यहाँ पे LCM का बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है ठीक है LCM यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा काम करेगा हमको दिया है कि ए और बी बहत्तर दिनों में कर रहे हैं बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं एक सौ बीस दिनों में और C प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं नब्बे एल्शियम कितना हो जाएगा तीन सौ साठ तीन सौ साठ बहत्तर सौ होगा कि नहीं पांच हाँ हो जाएगा ठीक है तो इफ़िशियंसी कितना आ गई इसका आ गया पांच यूनिट या यहाँ पर लिख लेते हैं पांच यूनिट तीन यूनिट और कितना चार यूनिट तो यह बताओ इफ़िशियंसी किसकी होगी आपको होगा ए प्लस बी प्लस सी का टू टाइम्स होगा ना देखो सब ए बी ए बी ठीक है दो गुना दोनों को जोड़ोगे तो कितना टू टाइम्स हो जाएगा ना सबका तो कितना हो जाएगा चार तीन सात पाँच बारह यानी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी छः यही हमसे पूछा कि ए बी सी कितने दिनों में काम करेंगे तो तीन सौ साठ यूनिट अगर पूरा काम है और एक इनकी इफिशियंसी छः है तो कितना दिन लगेगा इनको साठ दिन ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं ए अकेला किसी कार्य को बारह दिनों में पूरा कर सकता था ए तथा बी मिलकर उस आठ दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताओ बी अकेला कितना दिनों में करेगा अभी हमने बताया था कि जब भी इस तरह से आए तो जितना टाइम दिया उनका मल्टीप्लाई कर लो बारह और आठ दिनों और इनका डिफरेंस चार कितना हो जाएगा चौबीस दिन ठीक है आगे बढ़े ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को तीस मिनट में पूरा कर सकते हैं ए बी और सी किसी कार्य को तीस मिनट में पूरा कर सकते हैं ए बी ए तथा बी मिलकर पचास मिनट में पूरा कर सकते हैं सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा ठीक है देखो ए बी का हमको दिया तीस मिनट में और क्या दे रखा है ए बी का दे रखा है ए बी का दे रखा है पचास तो हमसे पूछा जा रहा है सी कितने समय में करेगा एलसीयम कितना हो जाएगा वन फिफ्टी तो यह कितना हो जाएगा पाँच और यह तीन तो बताओ या पाँच किसका ए बी सी का और ए तीन कितना ए बी का तो सी का एफिशंसी कितना जाएगा दो यूनिट सी कितने समय में कार्य करेगा पचहत्तर मिनट में ठीक है आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए और बी एक काम को दस दिनों में दस दिन में कर सकते हैं बी और सी उसे पंद्रह दिन में तथा सी और ए उसे दस दिनों में बीस दिनों में कर सकते हैं तो हमको बताना सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा तो अभी तक अभी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं तो कैसे करेंगे देखो एलसीएम ले लेंगे हमने बोला कि ए और बी ए और बी कितने, कितने दिनों में कर रहा है दस दिनों में बी और सी कितने दिनों में कर रहा है पंद्रह दिनों में और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं बीस दिनों में तो सी कितने दिनों में अकेला कार्य को करेगा आपने बोला कि हम इसका ले लेंगे पहले एल्थियम तो एल्थियम कितना हो जाएगा बताओ एल्शियम हम साठ ले लें साठ एल्थियम ले लेंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 6 इसका चार और इसका कितना तीन तो ओवरऑल ये ए और बी प्लस सी की एफिशियंसी अच्छा हमको सी का निकालना है ना सी का निकालना तो हम पहले ए और बी और सी का निकाल लें कितना हो जाएगा छः चार दस तीन तेरह तेरह बटा में कितना दो क्योंकि सबको जोड़ोगे तो दो आ जाएगा ना टू टाइम्स सब आ जाएंगे सही है ना छः चार दस तीन तेरह तो अगर हमको सी का निकालना है तो ए बी का निकाल लो इसमें से माइनस कर दो तो छः माइनस कर दो तो, तो छः माइनस कर देंगे तो ते कितना हो जाएगा आधा ठीक है आधा हो जाएगा सी की हाफ है तो साठ यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा उसको एक सौ बीस दिन ठीक है आगे बढ़े ए तथा बी मिलकर एक काम को बारह दिनों में पूरा कर सकते हैं ए अकेला उसी काम को बीस दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे अच्छा क्वेश्चन है देखो क्या दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में बारह दिनों में पूरा कर सकते हैं फिर उनसे बोला कि ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है बीस दिनों में यह अकेला उसी काम को बीस दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो सबसे पहले हमको बी की इफिशियंसी तो पता होनी चाहिए तभी तो हम करेंगे तो हमने एल्शियम ले लिया साठ इसकी इफिशियंसी पांच और इसकी इफिशियंसी कितना तीन तो अगर ए की इफिसियंसी तीन है और ए बी की पांच है तो बी की इफिसियंसी कितना होगी आप कहोगे दो और हमको दिया है कि बी जो है ना रोज आधा दिन ही काम करे यानी अगर एक दिन वो कितना अगर हम कहें एक दिन वो टू यूनिट काम करता है तो आधा दिन काम करेगा तो वह कितना काम करेगा केवल वन यूनिट काम करेगा या आप ऐसे कर लो कि अगर वह पूरा दिन काम करेगा तो उसकी होगी तो आधा दिन काम करेगा तो उसकी इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी आधा कम हो जाएगी तो बताओ एक यूनिट अगर एक दिन में काम करता है तो साठ यूनिट टोटल काम करना है तो कितना दिन लगेगा इसको कुछ गलत किया क्या क्या था कि ए तो ए और बी मिलकर उस काम अच्छा दोनों मिलाकर ए और बी मिलाकर कितने दिनों में उस काम को करेंगे तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी कितना एक यूनिट और बी की ए की एफिशिएंसी क्या है ए तो पूरे अपने एफिशिएंट हो यानी पूरे दिन काम करेगा तो पूरे दिन काम करेगा तो वह कितना करेगा तीन यानी हम कहें ए और बी अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा आप कहोगे एक दिन में चार यूनिट काम हो जाएगा तो बताओ टोटल कितना यूनिट करना है साठ तो कितना दिन लगेगा पंद्रह दिन ठीक है समझ पाए देखो हमने क्या किया कि बी की हमने इफिशियंसी निकाल लिया कि मान लो टू यूनिट यानी टू यूनिट पर डे बी की इफिसियंसी आ गई और हमको बोला कि अगर मान लो हुआ केवल आधा दिन काम करता है तो इसका क्या मतलब हुआ आधा दिन का मतलब हुआ कि अगर एक दिन में वह दो यूनिट काम करेगा तो, तो एक दिन में आधे दिन में कितना करेगा एक यूनिट काम करेगा तो आधे दिन में अगर वह एक यूनिट काम करेगा और ये पूरी क्षमता से काम करता है यानी ये पूरे दिन काम करता है तो वह तीन यूनिट करेगा तो ए और बी मिलाकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे कहोगे आप चार दिन चार यूनिट तो बताओ चार यूनिट अगर एक दिन में काम होगा तो टोटल काम स्टार्ट करना है तो कितना दिन लगेगा पंद्रह दिन ठीक है आगे बढ़ेंगे देखो तो दिया कि ए किसी काम को सॉरी ए किसी काम के चार बटा पाँच भाग को बीस दिनों में चार बटा पाँच भाग को बीस दिनों में पूरा करता है यानी एक काम कितने अगर हम पूछा जाए एक भाग कितने दिन करोगे करेगा तो बीस सौ बटा में चार यानी कितना पाँच दिन में सॉरी सौ बटा जा रही है पच्चीस दिन में ठीक है अभी देखते हैं तो चार बटा पाँच भाग को कर रहा है वह कितने दिनों में बीस दिनों में पूरा कर रहा है फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को तीन दिनों में पूरा करता है तो बी को उसी काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा तो इन प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बन बनते हैं ना एलसीएम से हमको एलसीएम से करने में हमको यहाँ पे एक एडवांटेज होता है कि हमको जब अलग अलग एफिशिएंसी मिल जाती है और एक वर्क यूनिट हम निकाल लेते हैं यानी एज्यूम कर लेते हैं जो हमको इल्सेम आता तो उसके आधार पर भी हम कुछ कुछ भी कर सकते हैं तो हमको क्या होता है कि इससे फ्रीडम मिलता है तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है देखो दिया है कि ए, कि ए क्या करता है किसी एक काम को किसी किसी काम के चार बटा पांच भाग को ए किसी काम के चार बटा पार्ट को कितने दिन में कर रहा है बीस दिनों में कर रहा है यानी हम कहें पूरा एक पार्ट उसको करने में कितना समय लगेगा आप कहोगे पूरा एक पार्ट उसको करने में समय लगेगा बीस घोड़े में 5 बटा चार कितना आ जाएगा पच्चीस दिन आगे दिया कि फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को तीन दिनों में पूरा करता है यानी देखो चार बटा पांच काम हो चुका था अभी कितना काम बचा होगा आप कहोगे एक बटा पांच पार्ट और एक बटा पांच भाग को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं ए और बी मिलकर पूरा करते हैं तीन दिनों में तो अगर एक बटा पाँच भाग को तीन दिनों में पूरा करते हैं तो पूरा काम अगर हम कहें इनसे पूछा जाए कि भाई एक पार्ट कितने दिन में कर लोगे तो वे बोलेंगे हम पंद्रह दिन में पूरा काम कर सकते हैं तो अब हमको ए का मिल गया कितना दिन में ए अकेले करता पच्चीस दिन में ए भी कितने दिन में करेगा पंद्रह दिन में तो हमसे पूछा बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा तो हमने क्या बोला भाई दोनों का प्रोडक्ट ले लो पंद्रह बोले पच्चीस और इनका डिफरेंस कितना इनका डिफरेंस कितना दस तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पाँच से काट देते हैं पाँच बटा में दो यानी पचहत्तर बटा में दो तो कितना हो जाएगा साढ़े सैंतीस दिन ठीक है समझ में समझ में आए अब देखो जो मैं वहाँ पे बताया था कि आपको फार्मूला याद कर लो उसका देखो एडवांटेज यह हो रहा है कि अब हमको यहाँ से फर्दर आप यहाँ से भी कर सकते हो मान लो कि अब यहाँ पर अगर आप चाहते तो फिर आपको क्या होना करना पड़ता आपको पंद्रह और पच्चीस और पंद्रह का एक बार एल्सियम लेना पड़ता ठीक है फिर इनका एफिशिएंसी निकाल के फिर बी की एफिशिएंसी निकाल के पूरे वर्क यूनिट से हमको डिवाइड करना पड़ता है तो यहाँ पे हम क्या इससे बच जा रहे हैं तो इसलिए अगर आपको फार्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर इससे आपको कैलकुलेशन यानी कई स्टेप आपका जो है स्किप हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे एक सेकेंड एक ठीक है दिया कि ए किसी कार्य के किसी कार्य का फोर्टी परसेंट कितने दिनों में बारह दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य का सिक्सटी परसेंट कितने दिनों में पंद्रह दिनों में कर सकता है दोनों ए दोनों दस दिनों तक एक साथ काम करते हैं शेष काम को चार दिनों में पूरा करता है सी शेष कामों को चार दिनों में पूरा करता है बताना ए बी सी मिलकर उसी काम का अट्ठाईस कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ठीक है देखो क्या क्या दिया पहले उसको लिख लेते हैं कि बोला कि एक एंड डू फोर्टी परसेंट एक एंड डू फोर्टी परसेंट वो वर्क कितने दिनों बारह दिनों में बारह दिन, दिन में पूरा वो बारह दिनों में वह दिन पूरा काम कर लेता है तो बताओ हंड्रेड परसेंट कितने दिनों में पूरा कर लेगा तो कितना ढाई गुना तो इसका ढाई गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा ढाई गुना करेंगे कितना हो, 240 36, कितना हो जाएगा दो सौ चालीस और 36. यानी कितना हो जाएगा तीस दिन आप ऐसे भी कर सकते कि 40 हो कि फोर्टी परसेंट की वैल्यू कितना होती है फ्रैक्शन वैल्यू टू बाई फाइव तो टू बाई फाइव कितने दिनों में कर रहा है बारह दिनों में तो एक पार्ट कितने दिनों में करेगा बारह पंचे साठ बटा दो यानी तीस दिन में आप चाहे जाए, जैसे करो करना चाहे वैसे दोनों से सेम आएगा आगे देखिए फिर दिया कि बी कैन डू सिक्सटी परसेंट आप द सेम वर्क इन फिफ्टी डेज बी क्या करता है सिक्सटी परसेंट आप सेम वर्क कितने दिनों में कर रहा है? पंद्रह दिनों में कर रहा है तो बताओ हंड्रेड परसेंट वर्क कितने दिनों में हो जाएगा हंड्रेड परसेंट वर्क हो जाएगा आपका हंड्रेड बाइट सिक्सटी कर दो इसका हंड्रेड वाइड सिक्सटी कर दोगे दो तो कितना हो जाएगा पंद्रह चौका साठ यानी पच्चीस सॉरी बीस दिन में पंद्रह चौका साठ ना तो ठीक है पच्चीस दिन ठीक है भाई बोला हमने पंद्रह दिनों में पूरा कितना साठ दिनों कर रहा है तो सौ काम कितने दिनों में करेगा तो पंद्रह चौपा साठ यानी पच्चीस दिन ठीक तो सारी चीज़ें लिखनी जरूरी नहीं होती कुछ चीज़ें आप ओरल करते रहो साथ, साथ में आगे दिया है कि दोनों दस दिनों तक एक साथ काम करते हैं उसके बाद शेष काम को सी चार दिनों में पूरा करता है तो पहले देख लेते हैं कि दोनों अगर साथ में चार दिन तक काम करेंगे दस दिन तक काम करेंगे तो कितना काम पूरा हो जाएगा देखो तो ए और बी ए e कितने दिनों में कर रहा है पूरा काम तीस दिनों में बी कितने दिनों में कर रहा है पच्चीस दिनों में इनका एजेंट कितना हो जाएगा छः सौ या डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ हो जाएगा तो इफ़िशियंसी कितना मिल गया हमको इसका पाँच और इसका कितना छः अब हमको बोला कि भाई दोनों एक दिन में कितना करेंगे पाँच एक छः कितना दिन काम करते हैं साथ में दस दिन तो कितना यूनिट वर्क हो जाएगा एक सौ दस कितना बचा फोर्टी इस फोर्टी काम को सी कितने दिन में कर दे रहा है शेष काम को सी चार दिनों में पूरा कर दे रहा है यानी चार दिनों में पूरा कर देगा तो इसका मतलब है कि वह एक दिन में कितना यूनिट काम करता है टेन टेन यूनिट पर डे यानी हम कहेंगे कि हमको जो सी की इफिशियंसी मिल गई वह कितना हुई सी की इफिशियंसी मिलेगी टेन यूनिट पर डे हमको मिल गई सी की इफिशियंसी कितना हो गया टेन तो हमसे पूछा है कि बताओ ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का ट्वेंटी एट परसेंट कितने दिनों में पूरा कर लेंगे तो टोटल वर्क हमने कितना माना 150. एक सौ पचास इसका ट्वेंटी एट परसेंट हमको निकालना है और तीनों मिलकर तो तीनों की एफिशिएंसी कितना होगी पंद्रह दस पच्चीस दस दस दिन साल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा डेढ़ सौ बटामे अट्ठाईस में कितना हंड्रेड पंद्रह पच्चीस चालीस चालीस दस पचास पचास काट देंगे तो कितना हो जाएगा तीन तीन हो जाएगा कहीं गलत हो रहा है क्या कुछ कहीं गलती कर रहे हैं क्योंकि हम तो ऑप्शन के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा हमने कहा कि भाई इफिशियंसी के हम आपको कितना मिल गया दस मिल गए थे अच्छा अच्छा ठीक ठीक इफिशियंसी देखो यहाँ पे एक ही कितना थी पाँच और छः था ना ये तो पंद्रह और पच्चीस मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया ये बी की वैल्यू थी ठीक ठीक थी। यहाँ पे गलत हो गया इफ़ेंसी कितना था हमारा एक की इफ़िशेंसी थी पांच और सी बी की कितनी थी पांच छः तो पांच प्लस छः प्लस कितना और सी की इफ़ेंसी दस है तो कितना हो जाएगा डेढ़ सौ हमने कहा कि डेढ़ सौ में ट्वेंटी एट बाई हंड्रेड डिवाइड बाई कितना सो ग्यारह दस इक्कीस सात चौ अट्ठाईस सात इक्कीस तीन से काट दोगे तो पचास एक बटा दो यानी कितना हो जाएगा दो दो दिन ठीक है समझ गए कितना जाएगा हमारा दो दिन देखो हमको कुछ दिया था ये फोर्टी परसेंट इतने दिन काम कर लेता है तो हम कहेंगे एक परसेंट कितने दिन करेगा आप कहोगे तीन दिनों में तो हंड्रेड परसेंट कितने दिन करेगा तो तीस दिन ती, हो जाएगा सॉरी पॉइंट थ्री तो कितना हो जाएगा हंड्रेड परसेंट तीस दिनों में उसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हो पॉइंट टू फाइव हंड्रेड परसेंट कितने दिन में करेगा तो पच्चीस दिन में फिर हमने यहाँ से सी की इफिशियंसी निकाल लिया कि भाई चालीस दिनों में वह चालीस यूनिट कार चार दिनों में कर लेता तो उसकी इफ़िशियंसी कितना होगी टेन यूनिट पर डे तो बस अब हमको करना था ट्वेंटी एट परसेंट करना था हमने निकाल लिया कितना आ गया टू डेज आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए कैन डू फिफ्टी परसेंट ऑफ द जॉब इन सिक्सटी डेज एक किसी कार्य को ठीक फिफ्टी परसेंट सोलह दिनों में कर लेता है तो आप कहोगे अगर पचास परसेंट काम सोलह दिनों में करता है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा जस्ट डबल हो जाएगा थर्टी टू डेज और बी कैन डू वन बाई फोर्थ ऑफ द जॉब इन ट्वेंटी फोर डेज तो अगर एक बटा चार चौबीस दिनों में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा चौबीस इन टू फोर नाइन्टी सिक्स इन हाउ मेनी डेज इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू थ्री बाई फोर्थ ऑफ द जॉब वर्किंग टूगेदर यानी अगर दोनों साथ में काम करें तो तीन बटा जॉब तीन बटा फोर्स जॉब कितने दिनों में पूरा कर लेंगे आपको बताना है कैसे करोगे देखिए कि हमको दिया है कि एक पच, ए पचास परसेंट किसी कार्य का पचास परसेंट कितने दिनों में करता है सोलह दिनों में हमने कहा पूरा हंड्रेड परसेंट काम करने में उसको कितना समय लगेगा आप कहोगे थर्टी टू डेज उसी तरह अगर बी किसी काम का एक बटा चार कितना चौबीस दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना समय लगेगा चौबीस गुड़ी चार यानी नाइन्टी सिक्स डेज अब हमसे बोला है कि बताओ ए बी मिलकर थ्री बाई का फोर्थ काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे तो थर्टी टू और नाइन्टी सिक्स हमने बोला कि इसका एल्थियम ले लो तो इसका एल्थियम कितना नाइन्टी सिक्स ही हो जाएगा यह कितना थ्री हाँ टाइम्स और ये कितना वन टाइम्स हो जाएगा तो अब हमको क्या इनका हमको इफिशियंसी मिल गया थ्री और One. लेकिन हमको अब काम कितना करना है केवल थ्री बाई फोर करना है तो थ्री बाई फोर काम करने में ए बी को कितना समय लगेगा अच्छा देखो इसी क्वेश्चन को जो हमने एमडीएस रूल बताया था उससे भी आप कर सकते हो लेकिन वह बहुत लंबा लेकिन बताने के लिए बता दे रहा हूं हमको दिया है कि कोई काम आज कोई काम ए कितने दिनों में कर रहा है थर्टी टू डेज में और बी कितने दिनों में काम कर रहा है उसी काम को छानबे दिन में तो हमने आपसे बताया था कि देखो इफिशियंसी कितना होगा इफिशियंसी बताया तो वर्क वाई टाइम होता है और बोला कि अगर वर्क सेम हो यानी वर्क यूनिट हमारा कांस्टेंट हो भाई टोटल जो काम करना है वो सेम हो तो इफ़िशियंसी क्या होती है वह टाइम के वह टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है ठीक है तो अगर इनके द्वारा लिया गया समय बत्तीस और छः में है और तो अगर हम कहें इस जो ए और बी इनका जो टाइम का रेशियो कितना होगा वन इज टू टू इफिशियंसी तो का रेशियो कितना हो जाएगा दो अनुपात एक भाई जो जो ज़्यादा समय ले रहा है जाहिर सी बात है उसकी इफिशियंसी कम है तभी तो वो ज्यादा समय ले रहा है या जो ज़्यादा इफिशियंट होगा वह कम समय लेगा लेगा तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो हमको पता चल गया टू इज टू वन अब देखो हम कैसे कर सकते हैं तो हमने बोला कि देखो एम डी एच में हम हम जानते थे एम डी एच वन क्या होता है वर्क यूनिट एम डी टू एच टू में वर्क यूनिट तो देखो अगर अब यहाँ से न किसी एक आदमी का ले लो और यहाँ पे एक वाई आपको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों को देखो यक्स वगैरह आप यहाँ जैसे अगर एक व्यक्ति मान लेते हम ए की ले लेते हैं ठीक है ए यानी दो दो यूनिट उसका वर्क है और कितने दिन में वो काम कर रहा है पूरा कर देगा पूरा काम कर दे रहा वो बत्तीस दिनों में तो वर्क डन कितना हुआ पूरी वर्क यूनिट कितना हो जाएगी इतना इक्वल्स में दूसरा आदमी फिर हम ए ले लेते हैं अच्छा यहाँ पे हमको ए और बी दोनों मिला के काम करना है तो कितना हो जाएगा टू प्लस वन और कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे वर्क यूनिट भी बदल गया कितना अब केवल कि तीन बटा चार काम करना और यहाँ पे कितना काम हो रहा था पूरा एक काम हो रहा था ठीक है तो यहाँ पे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप टू एक से वन एक लेना जहाँ इफिशियंट इफिशियंसी का जो रेशियो आ गया वही मान लेना हमारा उसी सेंसर आ जाएगा तो देखो इसको सॉल्व कर लो ये थ्री हो जाएगा ठीक है थ्री से थ्री कट जाएगा और फोर कर देंगे देखो थ्री तीन से तीन कट जाएगा तो दिन आ जाएगा आपका कितना दिन आ जाएगा आपका यहां से सॉल्व कर लो तो डी बराबर आ जाएगा टू थर्टी टू डिवाइड बाई वन बाई फोर फोर से डिवाइड कर दो कितना आठ कितना आ गया सोलह दिन तो बस यहाँ सोलह दिन कितना हमारा अठारह निकालते क्या एक सेकंड रुक जाना एक ही गलती बार बार हो रही है यही मेरे साथ वाइट बोर्ड में भी होता है जब मैं वाइट बोर्ड में करता हूँ तो वहाँ पे भी देखो बत्तीस है ना छानवे तो यह कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा ना छोटी छोटी गलतियाँ बार बार हो रही हैं कभी कभी देखो जब पेन पे आप लिखते हो तो वहां पे छोटा छोटा लिखते हैं ना तो वहां पे हमारे दिमाग में मना रहता है यह कितना हो जाएगा वहाँ रेशियो थ्री होगा ना तो थ्री रेशियो वन होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री टाइम्स होगा यह कितना हो जाएगा थ्री प्लस फोर हो जाएगा अब देखो सॉल्व कर लो तो आ जाएगा देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा ना तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा आंसर सही आएगा हो सकता है कि हम कहीं गलत कर रहे हो सीली मिस्टेक कर रहे हो तो अब यह तीन से तीन कटेगा नहीं तो देखो यह कितना हो जाएगा डी बराबर हम करें तो तीन गुड़े थर्टी टू टाइम्स थ्री इंटू फोर और यह नीचे आ जाएगा अगर हम करें या तो चार भी नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा चार चौको सोलह सोलह दूनी बत्तीस तीन तीन तिरानवे दूनी अट्ठारह अट्ठारह दिन ठीक है अट्ठारह दिन तो बस यहाँ पे समझाने का यही मतलब था कि आप दोनों तरीके से कर सकते हो अच्छा यहाँ पे ना आप चाहो तो इतना भी नहीं करना होता जैसे हमने बत्तीस दिन निकाला कि पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा उसको बत्तीस दिन आप चाहो तो आप इससे भी बच सकते हो देखिए जब हमको यही एम डी एस रूल अप्लाई करना है तो हम उससे भी कर सकते हैं सीधा कि भाई हमको ये वर्क यूनिट अलग अलग निकाल लेते हैं हमको दे रखा है देखो कैसे करेंगे हमको दिया कि ए ए अच्छा ठीक है लेकिन आपको वहाँ पे फिर क्या होता है ना क्योंकि आपको देखो ये ए और बी का एफिशेंसी का रेशियो फिर निकालना होगा और वह नहीं निकलेगा आप जब तक ए बी का किसी तरह से निकाल नहीं पाओ यानी अगर देखो ए क्या कर रहा है सोलह दिनों में यानी पचास परसेंट काम कितने दिनों में कर रहा है सोलह दिन में कर रहा है ठीक है तो ए किसी कार्य का पचास काम देखो सेम दोनों तरफ है तो हम कहेंगे ए की मान लो इफिशियंसी हमको पता नहीं है तो ए की इफिशियंसी ए मान लेते हैं और यह कितना सोलह दिनों में काम फिफ्टी कर रहा है और बी दे रखा है फिफ्टी यानी वन बाई या इसको या तो इसको परसेंटेज चेंज कर लो या इसको उसको फ्रैक्शन बदल लो चलो इसको हम फ्रैक्शन बदलते वन बाई टू हो जाएगा और बी क्या कर रहा है चौबीस दिनों में एक बटा चार कार्य कर रहा है कितना हो जाएगा आठ दो के यह हो जाएगा वन बाई टू भाई इसका जस्ट आधा है तो यहाँ कितना हो जाएगा वन बाई टू आ जाएगा और सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा थर्टी टू तो आठ त्री चौबीस आठ चौक बत्तीस चार आ जाएगा तो ए और बी देखिए इसको फिर से हम कर दे रहे हैं इससे भी हो जाएगा देखो हमको इतना अगर इफिशियंसी हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते थे मैं कह रहा हूँ कि अगर एक इफिशियंसी एक मान लो ए मान लो और हमको दे रखा है सोलह दिन में कितना काम कर रहा है फिफ्टी परसेंट और बी की इफिसियंसी बी मान लो और यह एक बटा चार काम कर रहा है चौबीस दिनों में चौबीस दिनों में तो यह कितना हो जाएगा आप कहोगे चौबीस वन बाई फोर था ना तो वन बाई फोर कर दो इसको भी आप कह सकते हो कि वन बाई कितना टू इसको बोल सकते हो वन बाई टू या इसको फिफ्टी परसेंट और इसको भी क्या बोलोगे वन बाई फोर का मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बत्तीस घुड़े बत्तीस और बी घुड़े में कितना हो जाएगा छानबे तो ए और बी के जो हमको रेशियो मिला हुआ कितना मिल जाएगा आप कहोगे थ्री टू वन तो यहाँ से भी हम कर सकते थे फिर एक बार एम डी एस हम रूल लगाएंगे और ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो यहाँ पे बस इतना ये सब सारे डिस्कस करने का बस केवल इतना ही लक्ष्य था कि आप समझ सको कि हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम जैसे हमने शुरुआत में किया कि एल से करेंगे वही सबसे फास्ट मेथड होगा उसी सबसे तेज हम आंसर के पास पहुँचेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया कि ए कैन डू टू बाई फाइव ऑफ ए वर्क इन सिक्स डे बी कैन डू टू बाई थ्री अब द सेम वर्क कितना बारह दिन में करता है तो ए बी अगर साथ मिलकर छः दिन काम करते हैं ठीक है ए एंड बी वर्क टुगेदर फर्स्ट सिक्स डे सी एलेवन कम्पलीट द रिमेनिंग वर्क इन एट डे यानी ए और बी मिलकर छः दिन काम करते हैं उसके बाद जो कार्य बच्चा उसको सी छः दिनों में समाप्त कर लेता है तो बताओ कि ए और सी वर्किंग टूगेदर विल कम्प्लीट द सेम वर्क इन ए और सी कितने दिनों में मिलकर उसी काम को पूरा कर सकते हैं तो हम किस किससे करेंगे एलसीम लेंगे सबसे अच्छा तरीका होगा देखो ए किसी काम का टू बाई फाइव पार्ट कितने दिनों में कर रहा है छ दिनों में सॉरी दो बटा पाँच काम छः दिनों में पूरा कर रहा है तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में करेगा पूरा काम पूरा काम कितने दिनों में करेगा यानी पाँच बटा तो दो करोगे तभी भाई एक पार्ट आएगा तो पाँच बटा दो इसका कर दो कितना हो जाएगा तो पंद्रह पांच बटा दो कितना हो जाएगा पंद्रह आगे बढ़ेंगे बी हमको दे रखा है बी दो बटा तीन पार्ट कितने दिनों में कर रहा बारह दिनों में तो एक पार्ट यानी तीन बटा दो पार्ट करना हमको निकालना है कितना हो जाएगा तीन बटा दो करोगे छह त्रिक अठारह अठारह दिन में अब आगे पूछा कि ए बी छह दिन के लिए काम करते हैं तो भाई देखो ए हमको मिल गया पंद्रह दिन बी का मिल गया हमको कितना अट्ठारह दिन एलसीम ले लो कितना हो जाएगा नब्बे पंद्रह छक्का नब्बे होगा अट्ठारह पच्चीस नब्बे ठीक है नब्बे ले लो तो एक इफीसियम हमको मिल गई छः और बी की मिल गई कितना पाँच तो इन दोनों ने छः दिनों के लिए काम किया तो छः दिन में कितना काम हो जाएगा छः प्लस पाँच आपका हो गया ग्यारह ग्यारह छक्का छाछठ छाछठ यूनिट हमारा वर्क हो चुका है अब कितना बचा है अब बचा है केवल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर यूनिट काम बचा है तो हमको दिया है कि सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन एट डेज यानी सी आठ दिन में चौबीस यूनिट काम कर सकता है सी आठ दिन में चौबीस यूनिट रिमेनिंग काम कर सकता है तो सी की इफ़िशेंसी बताओ कितना होगी आप कहोगे सी की इफ़िशंसी होगी थ्री यूनिट पर डे तो सी की इफिसियंसी आ गई थ्री थ्री यूनिट तो हमसे पूछा कि बताओ और ए और सी दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे तो बताओ ए की इफिशियंसी कितना है छः सी की इफिशियंसी कितना है तीन ठीक है आप थोड़ा से देखो जब भी क्वेश्चन आप करना ना इस तरह के क्वेश्चन साफ साफ लिखना हमेशा जैसे अब देखो अभी पीछे दो क्वेश्चन में गलती हो गई सेम गलती तो थोड़ा साफ साफ लिखोगे थोड़ा गैप देख बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बिल्कुल एकदम इतना पास पास में लिखते हैं ठीक है उनकी आदत है वे समझ लेंगे लेकिन उससे चांस होते हैं बहुत गलती के तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है आप थोड़ा साफ साफ थोड़ा दूर दूर लिखना जिससे क्या होगा कि नंबर गलत ना हो तो हमने कहा कि ए और सी हमको पता चलेगा कितना एफिशियसी है नौ तो हमसे बोला नौ यूनिट अगर ये लोग नौ यूनिट पर डे काम करेंगे तो पूरा काम कितना करना है नब्बे यूनिट कितने दिनों में कर देंगे दस दिनों में ठीक है आगे बढ़े इसमें देखो खूब ढेर सारा हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस दो ऐसे चैप्टर जहां पे थ्योरी बिल्कुल नहीं है लेकिन इनमें सबसे ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है इस इन इन दोनों चैप्टर को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करो अगला क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट वन थर्ड ऑफ ए वर्क इन टेन डेज वी कैन डू थ्री बाय फोर्थ ऑफ द सेम वर्क इन ट्वेंटी फोर डेज दे वर्क टूगेदर फॉर टेन डेज The remaining वर्स सी एलोन इन फिफ्टीन डेज हाउ मेनी डेज कैन सी डू इन टू बाई थ्री सेम डेज तो देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे सी की इफिशियंसी एफिसे, निकाल लेना और हमको अब केवल कितना करना टू बाई थ्री अभी हमको पूरा काम करना पड़ रहा था अब कितना करना टू बाई थ्री काम करना कितने दिनों में करेगा सी तो ये आपके लिए होमवर्क है स्वयं से ट्राई करिएगा क्योंकि इसमें हम पीछे कई क्वेश्चन कर चुके हैं आगे बढ़ेंगे द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए बी सी इज टू इज टू फाइव इज टू थ्री वर्किंग टूगेदर दे कैन कम्प्लीट ए वर्क इन कितना ट्वेंटी सेवन डे में अगर वे सात काम करें तो कम्प्लीट कर लेंगे बी सी चार बटा नौ काम कितने दिनों में पूरा करेंगे और हमको इफिशियंसी दे रखा है यहाँ पे तो क्यों ना हम एम डी एस रूल्स अप्लाई कर लें डायरेक्ट ठीक है हमको दिया कि देखो ए बी और सी सी इनका एफिशिएंसी रेशियो दिया है कितना टू इज टू फाइव इज टू थ्री यह इफिशियंसी रेशियो है और हमको दिया है कि अगर ये साथ में काम करेंगे तो सत्ताईस दिनों में पूरा हो जाएगा या आप ऐसे कह लो कि पूरा वर्क कितना कम कितना वर्क है तो भाई इफिशियंसी है टू प्लस फाइव प्लस थ्री और टोटल ट्वेंटी सेवन डे ले रहे हैं तो ये हो गया टोटल वर्क तो हमसे पूछा है कि बी और सी दोनों साथ में चार बटा नौ भाग कितने दिनों में करेंगे तो बताओ टोटल काम कितना हो गया पाँच तीन आठ दो दस तो दस गुड़ी ट्वेंटी सेवन और इसका कितना बोला है चार बटा नौ भाग कौन बी और सी बी और सी की कि एफिशिएंसी कितना है पाँच और तीन आठ सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा नौ से काट देंगे तो नौ त्रिक सत्ताईस तीन हो जाएगा चार दुनी आठ या चालीस पंजे हो जाएगा तो पांच पंद्रह दिन ठीक है आगे बढ़े ए इज फोर्टी परसेंट मोर इफिशियंट देन बी और बी ठीक है एंड सी इज ट्वेंटी परसेंट लेस इफिशियंट देन बी वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन फाइव डेज इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कम्प्लीट सेवेंटी परसेंट ऑफ द वर्क ऑफ दैट वर्क यानी उस काम को कितने दिन उसका सेवेंटी परसेंट कितने दिनों में पूरा करेंगे तो देखो सबसे पहले हमको इफिशियंसी का रेशियो दिया है कि भाई जो ए है वह क्या है ए है बी से चालीस परसेंट ज़्यादा इफिशियंट है तो चालीस परसेंट की वैल्यू क्या होती है दो बटा पाँच यानी अगर यह या पाँच होगा तो कितना होगा यह सात होगा और आगे दिया है कि सी इज ट्वेंटी परसेंट लेस इफिशियंट देन बी अगर हम बी और सी की बात करें तो बी से क्या है बीस परसेंट लेस इफिशियंट है बीस परसेंट की वैल्यू होती है एक बटा पाँच तो अगर बी हमारा पाँच होगा तो यह कितना होगा चार होगा तो यानी हम कहें ए बी सी की इफिसियंसी का रेशियो हमको कितना मिलेगा आप कहोगे सात रेशियो पाँच रेशियो चार अब अगर ये साथ में काम करेंगे तो पूरा काम कितना पाँच दिनों में समाप्त हो जाता है तो हम कहेंगे टोटल वर्क कितना हुआ टोटल वर्क कितना हो जाएगा तो आपका हो गया सात पाँच बारह चार सोलह सोलह पच्चीस अस्सी अस्सी यूनिट पूरा काम है तो हमसे पूछा कि अकेले ए कितने दिनों में उसका सत्तर परसेंट काम कर सकता है तो इसका सत्तर परसेंट कितना होगा छप्पन यूनिट और ए ए अकेले काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा आठ दिनों में तो कौन सा ऑप्शन होगा फोर्थ ठीक आगे बढ़े हमको दिया कि ए तथा बी सॉरी इफ ए बी एंड सी कैन डू ए जॉब वर्किंग एलोन इन ट्वेल्व डेज एटीन डेज एंड थर्टी सिक्स डेज रिस्पेक्टिवली दे आल टूगेदर दे आल वर्क टूगेदर फॉर टू डेज देन बी क्यूट्स हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टेक टू फिनिश रेस्ट ऑफ द जॉब देखो दिया है ए बी सी ए किसी काम को बारह दिन में बी उसी काम को अट्ठारह दिनों में और सी उसी काम को छत्तीस दिनों में कम्प्लीट कर लेता है ठीक है अब इन्होंने क्या किया इन्होंने सभी लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया और दो दिनों तक काम किया उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया अब बचा हुआ काम को ए और सी कितने दिनों में समाप्त करेंगे हमको यही बताना है कैसे करेंगे एल्थम ले लो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स तो यह कितना हो जाएगा थ्री टू वन इफिशियंसी पता चल गई हमको इन्होंने दो दिन तक साथ में काम किया कितना काम हुआ होगा तीन दो पाँच एक यानी ट्वेल्व यूनिट इन लोगों ने काम कर लिया था अब कितना यूनिट बचा होगा ट्वेंटी फोर यूनिट बी जा चुका है अब केवल सी ए और सी को करना है तो तीन और एक चार चार यूनिट इनका एफिशियंसी है चौबीस यूनिट काम करना है तो कितना समय लगेगा छः यूनिट ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए थाइस प्रोडक्टिव एज सी यानी जो ए है वह सी से क्या है तीन गुना ज्यादा इफिशियंट है टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डेज में यानी साढ़े बाईस दिनों में फिर दिया कि इफ वी ज्वाइन देम आफ्टर दे हैव वर्क फॉर फिफ्टीन डेज देन इन हाउ मैनी डेज कैन दे फिनिश द रेस्ट ऑफ द जॉब इफ बी एलोन कैन डू द जॉब इन फिफ्टीन डेज ठीक है हमको दिया कि ए जो सी से ती, तीन गुना प्रोडक्टिव है वे दोनों मिलकर एक साथ में बाईस साढ़े बाईस दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं और इफ वे बी ज्वाइन देम आफ्टर दे हैव वर्क फॉर फिफ्टीन डे अच्छा यानी जब वह पंद्रह दिन काम कर चुके हों तो उसके बाद बी ज्वाइन करता है तो हमको बताना है कि वे कितने दिनों में काम पूरा कम। तो देन इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द रेस्ट बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा करेंगे और बी हमको दे रखा है कि कितना पंद्रह दिनों में काम को पूरा कर सकता है तो देखो ए और बी हमको इफिशियंसी का रेशियो दिया है कितना है आप कहोगे थ्री रेशियो वन एफिशियंसी का, का रेशियो दिया है कितना थ्री इज टू वन का और हमको एक और आंकड़ा दिया हुआ कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम कितना हो जाएगा बाईस दशमलव पाँच दिनों में समाप्त हो जाएगा बाईस दशमलव पाँच दिनों में समाप्त हो जाएगा और हमको दिया है कि अगर इसी काम को बी अकेले करता कितने दिनों में कर लेता वह पंद्रह दिनों में कर लेता और हमको यह भी दिया है कि ये दोनों लोग पंद्रह दिनों तक एक साथ में काम करते हैं तो पंद्रह दिनों तक अगर ये साथ में काम करेंगे तो सबसे पहले यह देखो कि हम कहेंगे कि ए और सी ए और सी कितने दिनों में कर रहे हैं बाईस दिनों बाईस दशमलव पांच दिनों में और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है पंद्रह दिनों में तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा आप कहोगे टू ट्वेंटी फाइव है ना तो दो सौ पच्चीस ही ले लो तो ये कितना हो जाएगा दस दस गुना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा पंद्रह टाइम्स हो जाएगा ठीक है तो हमसे पूछा है कि ये दोनों लोग मिलकर कितना दिनों तक काम करते हैं पंद्रह दिनों तक काम करेंगे तो बताओ भाई अगर इनकी इफिशियंसी मिला के दोनों की इनकी इफिशियंसी हमने मान लिया दस है तो ये लोग पंद्रह दिन तक काम करते हैं तो कितना यूनिट हो जाएगा पंद्रह गुड़े दस यानी डेढ़ सौ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा अभी कितना काम बचा अभी काम बचे बचेगा पचास पच्चीस यानी पचहत्तर यूनिट पचहत्तर यूनिट बस काम बचा है और उसको अब करने वाले कौन कौन से हैं अब ए बी और सी मतलब बी भी ज्वाइन कर लेता है तो पंद्रह दस पच्चीस तो कितना दिन लगेगा तीन दिन तो इसका मतलब आपने एक चीज देखा कि जो हमको एग्जाम में ये डाट आंकड़ा दिया हुआ था इसका हमको कोई यूज ही नहीं हुआ ठीक है हमने ए और सी हमको दे रखा था बाईस दसमलव पांच दिन और बी का दे रखा था पंद्रह दिन यहां से हमने निकाल लिया एफिशिएंसी दस तो फिर हमको इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम इस, इस आंकड़े को यूज करें राइट यानी हमको जो दिया हुआ आंकड़ा था इसकी हमको कोई ज़रूरत थी नहीं ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इसके इसके बाद भी एक क्लास होगी जिसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार